करनाल के घरौंडा में महंगाई भत्ते और एलटीसी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सर्व कर्मचारियों ने गुस्सा दिखाया, जिसके चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने महंगाई भत्ते पर जनवरी 2020 से रोक लगा रखी है, जिसमें सरकार ने सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पेंशन वालों को भी नहीं बख्शा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ है, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे। कच्चे पक्के कर्मचारियों की सभी प्रकार की मांगे थी जी। इसमें डीए से लेकर के पुरानी पेंशन बहाल करने की और एलटीसी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पक्का होने तक समान काम समान वेतन लागू करना, जो सरकार के ऊपर बार बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद भी सरकार मनमानी कर रही है। सरकार मजदूर और कर्मचारी किसान का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना चाहती है, कम से कम पैसे में काम लेना चाहती है और लगातार 24 घंटे ड्यूटी करवा रही है और कोई भी किसी प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है सर। जी, तो ज्ञापन में किस तरह के मुद्दे रखे हैं, क्या मांग रखी गई है? ज्ञापन में मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पक्का होने तक समान काम समान वेतन लागू किया जाए। जो विभाग सरकार लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों को बेच रहे हैं उनको बंद किया जाए, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री उपलब्ध किया जाए और कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लगातार फ्री तुरंत प्रभाव से फ्री लागू करवाई जाए पूरी रिपब्लिक के साथ। आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की? आगे जब भी हमारे अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ और सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो भी कॉल आएगी, चाहे वो हड़ताल की बात हो, चाहे काम सस्पेंड करने की बात हो, चाहे प्रदर्शन और रैली की, हम पूरी तरह से उसमें भागीदारी करेंगे और सरकार जब तक हमारी मांगों को लागू नहीं करती हम तन मन धन से संघर्ष करते रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे। धन्यवाद। ऑल स्टेट जो ऑल इंडिया राज्य कर्मचारी महासंघ है उसके आह्वान पर पूरे इंडिया के अंदर आज प्रोग्राम था, हर जिला और हर ब्लॉक वाइज में, जिला में डीसी के माध्यम से और ब्लॉक वाइज में एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कि जो लगातार कर्मचारी 1 जनवरी 2020 से जो सरकार ने कर्मचारियों को कोरोना काल देखते हुए सरकार के वो कर्मचारियों के डीए बंद कर दिया था और एलटीसी पर रोक लगा दी थी और बहुत से भत्ते थे जिनको सरकार ने रोक दिया था और लगातार इस कोरोना काल में सरकार रोजगार ना देकर और बल्कि डिपार्टमेंटों में से कर्मचारियों की लगातार छटनी कर रही थी, इसको लेकर के और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको समान काम समान वेतन नहीं मिल रहा लंबे समय से, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि जितने भी विभागों में कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको समान काम समान वेतन मिले, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले को नहीं मानती क्योंकि सरकार को देना पड़ता, लेकिन जबकि जो कई फैसले ऐसे आते हैं जिसमें सरकार को कुछ नहीं देना पड़ता या कर्मचारियों को डिपार्टमेंट से बाहर निकालने की बात हो तो वो सरकार पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करती है। हमारे 1983 पीटीआई डिपार्टमेंट से निकाल दिए, ड्राइंग टीचर निकाल दिए डिपार्टमेंट से, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बहुत सारे महकमों से निकाल दिए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170।